हेलो ग्लोरियस फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग एक फिर से चैलेंज लेकर आए आप लोगों के सामने, बिकॉज मेकअप वेकअप बहुत हो गया, स्किन केयर बहुत हो गया, तो मैंने सोचा एक चैलेंजिंग सी वीडियो लेकर आते हैं। लास्ट चैलेंज मैं बुरी तरह से हार गई थी। इफ़ यू हैवंट सीन माई लास्ट चैलेंज तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, यू मस्ट वॉच दैट चैलेंज। अच्छा, खाने पीने के चैलेंज तो मैं ज़रा थोड़ा मुश्किल ही जीतती हूँ, लेकिन आज का इंटेलिजेंस चैलेंज है और जो लास्ट हमारे चैलेंज का विनर था मैं उसके साथ ये चैलेंज कर रही हूँ ताकि मुझे भी तो जीतने का मौका मिले। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। और मैं आज अपनी सिस्टर के साथ, क्योंकि वही लास्ट गोलगप्पे वाला जो चैलेंज था वो विन की थी, तो आज मैं उसी के साथ एक इंटेलिजेंस चैलेंज कर रही हूँ और इसमें आज एक प्राइज भी है, मतलब एक जिसे कहते हैं रिवॉर्ड वो भी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सो और चलते हैं चैलेंज की तरफ और देखते हैं कौन जीतता है। विनर ऑफ लास्ट जो हमने चैलेंज किया था उसकी विनर रही है गोलगप्पे वाला। यस, खापे वाले सारे चैलेंजेस जीत जाती है। सो आज ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, ना आपने खाना है ना आपने पीना है, आज एक इंटेलिजेंस चैलेंज है। ठीक है, मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि लास्ट चैलेंज की विनर है, मैं तो बहुत बुरी तरह से हार गई थी। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू मस्ट वॉच इट। ठीक है, सो आज के चैलेंज में हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको ग्लासेस दिख रहे होंगे, ठीक है, जिनमें से तीन बॉटल से फिल्ड है और तीन एम्प्टी हैं। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये आपको ये वाला पोर्शन फिल्ड और ये वाला एम्प्टी दिख रहा है। ठीक है, आपने सिर्फ एक ग्लास को टच करना है, इन छह ग्लासेस में से सिर्फ एक ग्लास को टच करना है, फाइव शुड बी अनटच्ड। ठीक है, और द पैटर्न शुड बी आफ्टर टचिंग दैट ग्लास, वन फिल्ड वन एम्प्टी, वन फिल्ड वन एम्प्टी, वन फिल्ड वन एम्प्टी। ठीक है, दूसरा ग्लास अगर आपने टच किया तो यू शुड बी आउट। ठीक है, और अगर ये जीतती है तो इसको ये रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, और स्टार्ट करें भाई, रिवॉर्ड देखना है? नहीं नहीं। चलो, समझ आ गया क्या करना है, सिर्फ एक ग्लास को टच करना है और द पैटर्न शुड बी वन फिल्ड वन एम्प्टी, वन फिल्ड वन एम्प्टी। ओके, सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं टाइमर लगा दूं? नहीं हूं। ओके, डन, स्टार्ट। लास्ट चैलेंज में मेरे ये वाली कंडीशन थी और इस वक्त ये मुझे इतना मजा आ रहा है ना, सीरियसली बहुत डिफिकल्ट। नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स इजी इफ यू हैव ब्रेन। अगर तुमने पैटर्न्स वाली एक्सरसाइज की है ना बचपन में, प्राइमरीज में, तो तुम ये कर लोगी। अगर नहीं किया उठा के रख सकते हैं, सिर्फ एक ग्लास को टच करना है, उठाओ उल्टो कुछ भी करो, बस उल्टो तो देख लेना कि नीचे जो गंद मचेगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। बता दो, हार मान लो, अगर नहीं कर सकती तो मैं कर देती हूँ, मुझे आंसर पता है वैसे। हाँ, आई थिंक बीच वाला, ये उठाने है? पर मुझे लग नहीं रहा कहीं से भी होगा, ये उठाना है। मैंने हार मान ली भाई। ठीक है, हाँ। अच्छा गाइस, सो इसने हार मान ली, इसने ये ग्लास उठाया है और पैटर्न अभी भी जो मैंने कहा है वो नहीं है, इट शुड बी वन फिल्ड वन एम्प्टी, वन फिल्ड वन एम्प्टी, एंड शी टुक दैट ग्लास। ओके, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, द पैटर्न इज नॉट दैट जो मैंने सजेस्ट किया था, अब वापस रख दो, हार मान ली ना। हाँ, मैं पैसे उठा दूं। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि एक ग्लास उठाना है और द पैटर्न शुड बी वन फिल्ड वन एम्प्टी। ये मैंने एक ग्लास उठाया, ओहो हो गया पैटर्न वन, ओ फिल्ड वन एम्प्टी। आपने ये नहीं कहा था कि किसी और ग्लास में डाल सकते हैं या नहीं? तो भाई देखो, मेरी बात सुनो, इट्स एन इंटेलिजेंट चैलेंज। मैंने तुमसे कहा था द पैटर्न शुड बी वन फिल्ड वन एम्प्टी एंड यू आर अलाउड टू टच अ ग्लास। तो मैंने सिर्फ एक ही टच किया, मैंने इन बाकी में से कोई भी टच नहीं किया और देख लो पैटर्न वन फिल्ड वन एम्प्टी है, वन फिल्ड वन एम्प्टी है। सो ये हार गई और बहुत मजा आता है जीतने में, सीरियसली बहुत मजा आता है। सो आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी और इसका हारना भी एंजॉय किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।